प्रदेश में कुमाऊं और गढ़वाल वन प्रभागों के जंगल धो धो कर जल रहे हैं, लेकिन वन विभाग के वनाग्नि कंट्रोल के दावे इस बार भी हवाई किले साबित हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की असंवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विभाग के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक वनाग्नि के अतिरिक्त मीडिया की सूचना देने के लिए अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, क्योंकि अपर वन संरक्षक वनाग्नि शांत वर्मा के पास अपर वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ एक अन्य जिम्मेदारी भी है। ऐसे में वह उलझन में है कि वनाग्नि कंट्रोल के लिए मीडिया से रूबरू हो या वन विभाग के अतिरिक्त विभागों का कार्य संभाला जाए। यूं तो उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं सर्दी के मौसम से भी जारी हैं, लेकिन अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा वन प्रभाग, चंपावत, रामनगर वन प्रभागों के अतिरिक्त गढ़वाल मंडल के नरेंद्र नगर वन प्रभाग, केदारनाथ वन प्रभाग, गढ़वाल वन प्रभागों में भीषण आग लगने से हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। वहीं वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस आग का कारण आड़ा फुकान व आम जनता को मानते हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 4 लोगों को आग लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिन पर IPC की धारा 1 एक्ट के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो है कुल मिला के जो फायर बुलेटिन हमने जारी किया था उसके हिसाब से जो है 490 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि 581 वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। है कि जैसे काफ़ी घटनाएं तो आड़ा फुकान के वजह से आसपास के जंगलों में भी फैलने से हुई है, तो इसमें साथ साथ एक तो जागरूक करने की कार्रवाई और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कई घटनाओं में जानबूझ के और इरादतन भी जो है वनाग्नि लगाई गई है, तो ऐसे मामलों में जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं। अभी एक मैडम की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें पुलिस विभाग को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। कानूनी प्रक्रिया ऑलरेडी हमारे पास 4 मामले ऐसे हुए हैं जिनमें नामजद वन अपराध जारी किए गए हैं और जो व्यक्ति पाए गए आग लगाते हुए उनके विरुद्ध जो है जो भी हमारे वैधानिक कार्रवाई है, जैसे कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत और IPC की धाराओं के अंतर्गत भी जो है कार्रवाई की। भयानक रूप से फैलती वनाग्नि के अस्थायी नियंत्रण के लिए बीते कई समय से राज्य सरकार व वन विभाग को उत्तराखंड के जंगलों से चीड़ हटाने और उन्हें फल पट्टी में विकसित करने समेत अनेक सुझाव दे चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार व वन विभाग की समझ में यह बात अभी तक नहीं आई है। अगर उत्तराखंड के जंगल फल पट्टी के रूप में विकसित करके आम आदमी के लिए आर्थिकी, आमदनी, रोजगार के स्रोत हम बना देते हैं तो निश्चित तरीके से उन जंगलों में आग नहीं लगेगा। हम बाजार जाएंगे, बोलेंगे यार कुछ लेके जाते हैं, तो इस ओर सघन रूप से काम करने का जरूरत है। इन जंगलों को एक फल पट्टी के रूप में आर्थिकी, आमदनी, रोजगार के स्रोत में विकसित करने की जरूरत है। जिस दिन ये जंगल इस तरीके से विकसित हो जाएंगे निश्चित तरीके से उस दिन उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी घटनाएं नहीं होंगी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के ताजे आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 665.55 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं, जिसमें कुल 554 आग की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं इन सब घटनाओं से अभी तक 14,02,331 रुपए का नुकसान हो चुका है। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में आग की 54 घटनाएं सामने आई हैं, जो वन विभाग के संज्ञान में है। इसके अतिरिक्त कई घटनाएं ऐसी हैं जिनकी सूचनाएं वन विभाग तक नहीं पहुंची हैं। उत्तराखंड में हर साल जलने वाले हजारों हेक्टेयर जंगल से न सिर्फ करोड़ों पेड़ जलकर राख हो रहे हैं, बल्कि दुर्लभ जैव विविधता व विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। वनाग्नि के कारण जल के प्राकृतिक स्रोत सूखने लगे हैं। तापमान बढ़ने से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं, जिससे संपूर्ण जीव जगत पर घोर संकट के बादल छाने लगे हैं। लेकिन इन सब वारदातों के बावजूद भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वन विभाग के साथ साथ आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों का दोषारोपण एक दूसरे पर करने के बाद नहीं आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि जंगल की आग व पर्यावरण संतुलन के लिए जब तक प्रत्येक मनुष्य धरातल पर प्रयास नहीं करेगा तब तक पर्यावरण को यूं ही नुकसान होता रहेगा। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज, देहरादून।